हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रफ़ीक अहमद और फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे हैं। और अभी टाइम हो रहा है 9:30। अब करने जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद एक थोड़ी सी टेंशन आ गई है क्योंकि जो बच्चों का पेपर है वो 21 से, नौशीन का जो पेपर है वो 21 यानी कल से स्टार्ट है। और कल यानी सैटरडे जो बीत गया कल, उस सैटरडे में इसकी क्लास टीचर ने एक मैसेज भेजा है स्कूल की तरफ से, कि आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए मैसेज भेजा है कि अगर आप एनुअल फ़ी आपने नहीं भरा है तो वो भर दे, नहीं तो आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। 2 साल तो स्कूल खुले नहीं, तो 2 सालों से किसी भी पेरेंट्स ने एनुअल फ़ी नहीं भरा है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का वो था नोटिफिकेशन कि आप ट्यूशन फ़ी देंगे लेकिन एनुअल फ़ी जो है आपको नहीं भरना है। तो किसी भी पेरेंट्स ने भरे नहीं, तो अब ये एंड टाइम पे स्कूल वालों ने मैसेज सबको ड्रॉप कर दिया है। मेरी रात जो 10-12 पेरेंट्स से बात हुई है तो सब कह रहे हाँ हमारे पास भी आया है, और कई पेरेंट तो स्कूल भी गए थे कल, और कुछ ने तो फीस भर भी दिया है डर से कि ब्लॉक ना कर दे, फाइनल टर्म का पेपर है, बच्चे का साल ख़राब ना हो जाए। और बहुतों ने कोशिश किया स्कूल के प्रिंसिपल से जाके मिलने का, लेकिन वो उन्होंने टाइम दिया नहीं है, तो वो टाल मटोल कर गए कि भाई अभी है नहीं, अभी ये है, वो वहाँ जाके पता करो, ये करो, तो वो लगा गए। बात हुई मेरी रात, तो अब जा रहे हैं 8-10-12 पेरेंट्स जो है जाके, और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, उनके ऑफिस में जाके एप्लीकेशन में, और ये मैंने जो मैसेज आया है उसकी स्क्रीनशॉट करके प्रिंट निकाल लिया है मैंने, एप्लीकेशन में ये भी साथ में लगा देंगे, और सारे पेरेंट्स का साइन करके और उनके एजुकेशन मिनिस्टर के ऑफिस में एक मतलब फाइट करने के लिए एक प्रूफ तो होना चाहिए हमारे पास, तो उनसे एक रिसिप्ट ले लेंगे कि भाई कल को अगर हमारे बच्चे का आईडी ब्लॉक हो जाता है, वो पेपर नहीं दे पाता है, तो उसका साल खराब हो जाएगा। तो फाइट करने के लिए हमारे पास कुछ तो आधार होना चाहिए, तो उसी के सिलसिले में पेरेंट्स को बुलाया है। अभी निकलने वाले हैं ब्रेकफास्ट करके, अब ये ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ। अब मनीष सिसोदिया के पास जाने के लिए तैयार हूँ, एक फ्रेंड है वो आ रहा है, और एक फ्रेंड को रास्ते में पिक करना है, बाकी जो पेरेंट्स हैं वो वहीं मनीष सिसोदिया के डायरेक्ट ऑफिस में ही पहुंच रहे हैं। 10:30 का टाइम सबको दिया हुआ है, तो हो सकता है कि मैं अंदर ऑफिस अलाउ नहीं है सूट वूट करने का, तो कोशिश करूंगा बाहर से दिखाने की। एजुकेशन मिनिस्टर के ऑफिस तो पहुंच गए हम लोग, मगर क्या है कि यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, आज संडे है, तो संडे में एजुकेशन मिनिस्टर का ऑफिस जो है वो रहता है बंद। ये देखिए ताला लटका हुआ है, ये ऑफिस है और हम लोग बाहर हैं, ये ताला लगा हुआ है। और अब कल सुबह का टाइम सब ने सेट किया है कि कल सुबह 10 बजे एप्लीकेशन अभी लिख के सब साइन कर लेते हैं। ये देखिए एप्लीकेशन तैयार हो गया है, बस सब सारे सिग्नेचर भी कर। अब ये घर तो पहुंच गया, अब जा रहे हैं मछली लेने अफशीन के साथ। मुझे मछली बहुत पसंद है, हाँ इसलिए अब लाने जा रहे हैं। लोग जाएंगे मछली लेने और हमारे घर पे मेहमान आएंगे। हाँ घर पे मेहमान आ रहे हैं, तो मेहमान आ रहे हैं शाम को, अभी तो टाइम हो रहा है एक भी नहीं बजा अभी, तो अब निकल चुके हैं हम, मैं और अफशीन। अफशीन जो है मछली इसको बहुत पसंद है, इसी के लिए मछली लाने जा रहे हैं। अब ये मुड़ना है हमें, मुड़ गया। अब ये जो है मार्केट छोटी सी है, 4-5 जने बस बेचते हैं सुबह सुबह, और वहाँ पे 12-1 बजे तक बस बैठते हैं वो। अब थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, पता नहीं जाने के बाद मिले या ना मिले, तो ये भी बात है, वो जाने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो है वो कोई मार्केट नहीं है, ये हमारे घर के पास में मेन रोड में बैठते हैं 2-4 जने सुबह से, तो वहीं पे जा रहे हैं। ये अब मेन रोड पहुँच गया, ये हमारी मेन रोड है, मेन रोड के साइड में जो सर्विस रोड पकड़ लिया, अब जा रहे इसी सर्विस रोड में, थोड़ी सी आगे जाते ही ये मार्केट हमारा, दो चार बंदे बैठे रहते हैं वहाँ, बस अब पहुँच गए, पहुँच गए अब ये मार्केट लगी हुई है। इसी में मेरे लेफ्ट साइड में बंदे बैठे रहते हैं, ये देखिए क्या हमारा खत्म, अभी एक है ना, नहीं चाहिए ना मेरे, चाहिए मुझे तो सिर्फ रोहू चाहिए, आगे देखते हैं। रोहू एक बचा है, एक है, क्या रेट है? 200 रुपए।
ये देखिए, जब मछली वहाँ पे डालते हैं कढ़ाई में तो फड़फड़ तेल तो मुंह में ना लग जाए, इसलिए ये जो कोविड का हमारा फेस मास्क है ना, यहाँ इस्तेमाल हो रही है। आराम से इसको पहन के और किचन में जो है मछली अंडा जो भी लगे कि फेस में उसका तेल आ सकता है, बस ये पहनकर कर रहे हैं काम। शुरू हो गया अगर दाल चला है। अब ये क्या है कि जब मछली डालते हैं ना तो छींटा काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा तेल जो है ना ऊपर की तरफ आने लगता है। अब ये लगभग सारी मछलियाँ फ्राई हो गई हैं। ये सुपर। वाले साहब, क्या उधम तुम लोग मचा के मेरी नींद पूरा वो कर दिए, पूरी कर दिए तुम लोग, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। नहीं, हो गई मेरी नींद पूरी हो गई। अब कैसा लगा हमारा पिकनिक? अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था, है ना? वो हम लोग जहाँ पर नर्सरी जाते हैं ना, उसी के सामने ही है। कौन सा वाला? ईओडी नर्सरी जाते हैं, मयूर विहार फेस वन, हाँ वही पर ही है। अरे ये रहा संजय, संजय वो नहीं है, संजय लेके यही संजय वाला वो जो है पार्क है विशालगढ़। आप यूट्यूब पर डालोगे मैं सो रहा था दूसरे कमरे में, बच्चे यहाँ उधम इतनी तेज मचा रहे थे कि मैं उठ गया, उठ गया तो देख रहे हैं ये बच्चे आए हुए हैं और खेल रहे हैं। अरे नहीं बेटा, ये बहुत पुराना है। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा डेली रूटीन। आज मैं खाना खा के दोपहर में 2 घंटे सो गया था, जिसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पाया ब्लॉग। तो आज इस वीडियो को मैं यहीं कर रहा हूँ एंड। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और कोई सजेशन हो मेरे लिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और फिर आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।